वागीशा, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विद्यालय के सभी वरिष्ठ जनों को सादर नमन एवं दीवारों की तरह चारों ओर से घेरे रहने वाले आप आदरणीय स्वरूप अभिभावकों को हमारा सादर प्रणाम, अर्थात हम आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं शिक्षिकाओं से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आए और इस कार्यक्रम का आरंभ प्रभु वंदना से करें। हे भगवान, तेरा नाम गूंज रहा है सकल जहान। हे भगवान, तेरा नाम गूंज रहा है सकल जहान। गगन पवन में, वन उपवन में, गगन जल थल नभ में, पशु वृक्ष वन में, जल थल नभ में, पशु वृक्ष वन में, कर्ण 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 में तेरा नाम, कर्ण 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 में तेरा नाम। हे भगवान, तेरा नाम गूंज रहा है सकल जहान। जन जन मन में, हर हृदय में, जन जन मन में, हर हृदय में, सब जन तन में तेरा नाम, सब जन तन में तेरा नाम। हे भगवान, तेरा नाम गूंज रहा है सकल जहां। हे भगवान, तेरा नाम गूंज रहा है सकल जहां। हे भगवान, तेरा नाम गूंज रहा है सकल जहां। सभी गुरुजनों को हमारा धन्यवाद। हिंदी से हिंदुस्तान है, तभी तो यह देश महान है। निज भाषा की उन्नति के लिए अपना सब कुछ कुर्बान है। एक बार फिर से आप सबों का हिंदी काव्य प्रतियोगिता में हार्दिक अभिनंदन है। प्रतियोगिता के आरंभ में मैं हमारे विद्यालय के सम्मान्य प्रधानाचार्य फादर रोजरा खालखो एसजी को धन्यवाद देता हूँ। उनकी प्रेरणा, उनका अमूल्य सहयोग, उनके मार्गदर्शन और आशीर्वाद के बिना यह आयोजन असंभव है। अतः मैं हमारे प्रधानाचार्य महोदय से आग्रह करता हूँ कि वे मंच पर आकर अपने शब्दों के माध्यम से प्रतियोगियों का हौसला बढ़ाएं। Dear junior section teachers, dear parents, and the viewers, my all dear students, and especially
the participating students. Good morning, everybody. Once again, we have a new day and a happy day. Today we have Hindi Kavya Pratiyogita for the junior section. Purpose of the competition is clear for us. We just want our small learners to encourage to learn to speak fluently, to think creatively, to express their with gestures and convey their messages meaningfully. For us, competition does not mean ranking students first, second, and third, etc. We organize co-curricular activities because it brings a lot of goodness to the students. Presentation by slides, videos, etc. are okay and fine, but every elocution makes the student to think and feel and speak to us directly. It helps the students to develop reading habits and understanding, respect and appreciation for others, and can promote a positive attitude towards friends and different lands, languages, races and religions. Every learner starts at a different place and has to master slowly. But it has to begin somewhere. Learners have to find their progress by doing. This is what we are doing today. Always I ask this question looking at these tiny ones. Are these tiny tots going to speak from this stage? Are they going to amaze us? Do you think so? I assure you, take away your doubts. With their age and size, they are tiny ones and are just growing. But let us see, wait. They are going to create a sensation. Most of the time, our problem is that we want to see who wins. As a result, we feel frustrated when our desire is not met. Let's stop a negative thinking. Without delay, let's listen to them. Let's encourage, admire, and appreciate these tiny ones. Once again, all the best to my dear students who are going to speak today on this stage. Thanks to one's teachers, parents, who have prepared them for this day. May God bless all of us today and now. Thank you. धन्यवाद फादर। आज इस कार्यक्रम के निर्णायक मंडली को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कक्षा प्रेप से तृतीय के निर्णायक मंडली के सदस्यों के नाम हैं फादर मनोज, मिस बेबी, मिस निर्मला, मिस राखी। किसको क्या मिला, इसका हिसाब रखने वाले हमारे आदरणीय निर्णायक मंडलीगण, जो इस हिंदी काव्य प्रतियोगिता के मुख्य अंग हैं।
आप सबों को सहर्ष श्रवण के साथ अभिवादन स्वीकार हो। अतः आप अपना आसन ग्रहण करें। धन्यवाद। कक्षा प्रेप और कक्षा प्रथम के विद्यार्थी हैं तथा दूसरे चरण में कक्षा द्वितीय एवं तृतीय के विद्यार्थी अपनी कविताएं प्रस्तुत करेंगे। मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे लोग ही हैं हमारे कार्यक्रम की शान। इसी के साथ मैं कक्षा प्रथम के पहले विद्यार्थी को आमंत्रित करती हूँ। कक्षा प्रथम के पहले विद्यार्थी हैं आद्विका राणा। आद्विका राणा, मोटूराम भाई मोटूराम, सारा दिन बस खाए आम, पेट को ना दे जरा आराम। मोटूराम भाई मोटूराम, स्कूल जो जाए मोटूराम, दो चताए खुले आम। मोटू तुहे तोंदूराम, हमारी कमर तेरा गोदाम, देश में आए मोटूराम, भागे पीछे सरे आम। पर बाकी सब पतलू राम, पीछे रह गए मोटू राम, रोते घर आए मोटू राम, सर उठाए पूरा धाम। माँ पुचकारे छोटू राम, रो मत बेटा खा ले आम, एक दिन पेट में हुआ संग्राम। डॉक्टर के पास गए मोटू राम, सुई लगी चिल्लाए राम, हाय राम हाय राम, तब जाने सेहत के दाम। मोटू रोज करे व्यायाम, धीरे धीरे घटा वजन, मोटू बन गए पतलू राम। धन्यवाद। धन्यवाद आद्विका। हमारे दूसरे प्रतिभागी है आशमन अग्रवाल। आशमन अग्रवाल, सुप्रभात चूहा बिल्ली। बिल्ली बोली, चूहे राजा, चलो नहाए गंगा खारा सागर, नहा नहा कर रहा नहीं मन चंगा। चूहा बोला, मौसी रानी खूब भाना ढूंढा, अभी मुझे जीना है, हुआ नहीं हूँ मैं बुड्ढा, मैं हूँ अब सन्यासिन भैया, डरो ना मेरे राज दुलारे, त्याग दिए मांस मछलियाँ, अब ना कोई गिरारे। झांसे में आकर बिल्ली के चूहा था भरमाया, लेकर बिस्तर मौसी के संग चर्च गेट हुआ आया। इसी डिब्बे में बतियाते बहुत गए हरिद्वार, चूहा बिल साथ देख कर मत क्या हक्का, कोई कहता अनहोनिया, कोई कहता राम, कोई कहता सत्युग, कोई कहता राम राजा, बीत गया अब कलयुग। गंगा का पानी पी पी कर बिल्ली मनी दीवानी, नहाया धोया चूहा देखा मुंह में आया पानी, बेमान बिल्ली ने छचे ऐसा पंजा मारा, कि एक बार में धंधा चूहा हुआ हरी को प्यारा, अपने और पराए में जो भेद ना कर पाता, मीठी बोली में फंस कर यूं ही जान गवाता। धन्यवाद। धन्यवाद आशमान। हमारे तीसरे प्रतिभागी है दक्षिता आनंद। दक्षिता आनंद, सुप्रभात। बिल्ली बेच रही गुब्बारे, चूहों की बस्ती में बिल्ली बेच रही गुब्बारे, रंग बिरंगे लाल गुलाबी नीले प्यारे प्यारे, चूहों के बिल में झांकी और
मीठे स्वर में बोली, छोटे बच्चों बाहर निकलो, लो मिठाई की गोली, चलो बसंत वाले मेले में तुम्हें घुमा कर लाऊं, पूरी दही समोसे दूंगी, चॉकलेट खिलवाऊं, रंग बिरंगे गुब्बारों से सारा घर भर दूंगी, अब बिल्कुल मत डरना मुझसे, तुमको कुछ ना कहूंगी, अब बूढ़ी हूँ हत्या जैसा, मैं क्यों पाप करूंगी। गंगा के तट पर जाकर ईश्वर का जाप करूंगी, जीवन भर अब कभी ना हिंसा करने की ठानी हूँ, तुम्हें प्यार से दूर लाऊंगी, तुम सबकी नानी हो। एक बुजुर्ग सी चूहिया ने तब बच्चों को समझाया, वाणी में मिश्री घोली और भाषण में बतलाया, बच्चों बिल्ली मौसी की तुम बातों में मत आना, चट कर जाएगी तुमको बिल के बाहर, मत जाना। धन्यवाद। धन्यवाद अक्षिता। हमारे चौथे प्रतिभागी है आरव सिन्हा। आरव सिन्हा, सुप्रभात। पुरस्कार गीतों का सम्मेलन होगा, तुम सबको यह बात बतानी, अकड़ अकड़ कर मेंढक बोले, तुम भी चलना कोयल रानी, मीनू बंदर, चीकू मेंढक, मोती कुत्ता गए बुलाए, जाकर बैठ गए कुर्सी पर, वे निर्णायक बनकर आए, आए पंछी दूर दूर से, बोले उनकी प्यारी प्यारी, रंगमंच पर सब जा बैठे, गाया सबने बारी बारी, चहक चहक कर बुलबुल आई, होले होले उसने गाया, कैसा जादू था गाने में, रस मीठा कानों ने पाया, कोयल ने जब गीत सुनाया, श्रोता सारे लगे झूमने, सुन सुन कर वह तान सुरीली, निर्णायक भी लगे घूमने, कौआ बड़ी पहुंच वाला था, पहला पुरस्कार उसने ही पाया, गुमसुम बैठे पंछी सारे, नहीं फैसला उनको भाया, खूब वहां पर चली धांधली, मिलकर सबने की मनमानी, कौआ जीता काव काव कर, तो आग रही थी बुलबुल रानी, देख देख बुलबुल कोयल को, बात पते की बोली मैना, छोड़ो चिंता हार जीत की, हमको यूं ही गाते रहना, पुरस्कार की चाह नहीं है हमको, प्यारी अपनी मस्ती, सुख मिलता खुद अपने को ही, मधुर गान से अपनी हस्ती। धन्यवाद। धन्यवाद आरव। हमारे पांचवे प्रतिभागी है नव्या सिंह। नव्या सिंह, सुप्रभात। तुमने ना कुछ सोचा मकड़ी, ना कुछ देखा भला रे, मेरे पलने के कमरे में लगा दिया क्यों डाला रे, चुपके चुपके तुमने आखिर ऐसा क्यों कल डाला रे, लगता शायर तेरे मन में है जरूर कुछ काला रे, चाहे मच्छर हो या मक्खी अगर फंसे मसाला रे, काम तुम्हारा मुझको लगता केवल गड़बड़ छाला रे, कस कर लेगा खबर तुम्हारी नौकर झाड़ू वाला रे, रख देगा तेतिल झिमका तोड़ के झट से ताला रे। धन्यवाद। धन्यवाद नव्या। हमारे छठे प्रतिभागी है देवांशी राज। देवांशी राज, सुप्रभात। वाईफाई महाराज की जय। सुबह नींद से जागते ही कदम अपने आप मर जाते हैं, वहीं जाकर रुकते हैं जहां राउटर साहब विराजते हैं, कमरे की खिड़की खोलने से पहले वाईफाई का बटन दबाती हूँ,
मानो इसी से ही पूरे दिन का ऑक्सीजन मैं पाती हूँ। ईश्वर को प्रणाम करने के बाद करूँ वाईफाई जी से प्रार्थना, कितनी भी हो वर्षा आंधी, तुम मेरा साथ न छोड़ना। इस वाईफाई महाराज की भी है तगड़ी सेना, मेरी प्यारे दोस्तों ने हल्के में मत लेना। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, आईपैड सभी पर इनका राज है, पूरी दुनिया झुकी है इनके सामने, ऐसे ये अद्भुत वाईफाई महाराज है। स्वयं कुछ खाने से पहले मैं सेना को खिलाती हूँ, तभी तो दिन भर के ऑनलाइन काम आसानी से कर पाती हूँ। इतना सब करने के बाद भी कभी तो मुसीबत आ ही जाती, पढ़ाते पढ़ाते अचानक जब बिजली चली जाती, ऐसे में जब वाईफाई चला जाए तो जिया बड़ा घबराए, तब प्यारा बेटा मोबाइल लेटा मेरा साथ निभाए। रोटी, कपड़ा, मकान के साथ अब वाईफाई की भी है जरूरत, यत्र तत्र सवत्र ही दोस्तों चलती उसकी हुकूमत है। आज के इस कार्यक्रम की सफलता भी उसी की बदौलत है, इसलिए तो कहते हैं दोस्तों वाईफाई महाराज की जय है। धन्यवाद। धन्यवाद देवांशी। हमारे सातवें प्रतिभागी है मोक्षित पाटनी। मोक्षित पाटनी, सुप्रभात, अब बतलाओ कोने में बिल्ली जो देखी भागा चूहा आंख बंद कर, पीछे पीछे बिल्ली दौड़ी तेज चाल से उछल उछल कर। चूहे को कुछ पता नहीं था गहरा कुआ पड़ा सामने, आंख बंद होने के कारण पानी में गिर लगा कांपने। बिल्ली रानी लगी सोचने, अब मैं कैसे भूख मिटाऊं, कौन यतन कर मैं चूहे को पानी से बाहर ले आऊं। चुपके चुपके गई कहीं से रस्सी एक ढूंढ कर लाई, फिर उसने वह जल्दी जल्दी कुएं के अंदर लटकाई। चूहे ने रस्सी को पकड़ा और साथ ही ऊपर ताका, उसी समय बिल्ली रानी ने कुएं में नीचे था झांका। मेरे साथी अब बतलाओ चूहा क्या ऊपर आएगा या रस्सी को छोड़ कुएं के पानी में ही मर जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद मोक्षित। हमारे आठवें प्रतिभागी है रुद्र शर्मा। रुद्र शर्मा, सुप्रभात। आलू गोल गोल सा चिकना चिकना लगता सबको प्यारा, कितना देखो कितना चालू है, हाँ 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 आलू है। करे मिटता जो भी हो, चाहे बैगन गोभी हो, मटर टमाटर की क्या बात, हर सब्जी में इसका हाथ। नहीं मिली तरकारी आज, चलो चलेगा आलू प्याज, बेसन से जो नाता जोड़े बने जाए के दाल पकौड़े, जब आलू संग मिला पनीर चमकी सब्जी की तकदीर।
हर सब्जी संग करता प्रेम, मिलकर खुश है आलू सेम। जैसे आलू सबको भाए, हर सब्जी में खुल मिल जाए। बच्चों तुम भी आदत डालो, हर बच्चे से हाथ मिला लो। सबके संग में करो भलाई, सबके दिल में रहे भलाई। जीवन में भी स्वाद आएगा, ये जग सुंदर हो जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद रुद्र। हमारे नौवे प्रतिभागी है जेनिका ग्रेस। जेनिका ग्रेस। सुप्रभात। ऑनलाइन पढ़ाई का यह फैशन, आई कहां से ये नई टेंशन। भारी बस्ते हो गए गुल, अनसीन के ये नए उसूल। जान हमारी आफत में आई, हाय रे ये ऑनलाइन पढ़ाई। टीचर्स भी सजग और सहमे, कमी हमको जाँच रहे। ऑनसीन पर जो माँ बाप भी बैठे, ज्ञान ज्यादा ही बाँट रहे। हाय रे ये ऑनलाइन पढ़ाई, होमवर्क अब जब हम ना करते, ऑनसीन के डंडे पड़ते। टीचर्स जी ऑनसीन पर काम, साथ में माँ बाप भी तैयार। दोनों की ये तानाशाही, देखाती हमें रुलाई। हाय रे ये ऑनलाइन पढ़ाई, स्कूल जब हम जाते थे, घर वाले पकड़ ना पाते थे। हमको क्या क्या आता है, वे कुछ समझ ना पाते थे। अब तो खुली पोल है सारी, घर पर क्लासेस पड़ गए भारी। बचा सके अब कोई ना भाई, हाय रे ये ऑनलाइन पढ़ाई। छूटे बस पेट हुआ दर्द, ड्रामे हमारे कहा गए। हम बच्चों के अच्छे दिन क्या, इसी रूप में आ गए। बचपन छूटा मस्ती छूटी, छूटी शरारते खेल लड़ाई। हाय रे ये ऑनलाइन पढ़ाई, हाय रे ये ऑनलाइन पढ़ाई। धन्यवाद। धन्यवाद जेनिका। कक्षा एक के आखिरी प्रतिभागी है आर्यन सिंह। आर्यन सिंह। नमस्ते, मेरा पाठ है टेस्ट टीम में। सुंदरवन के टेस्ट टीम में चमक दमक के आएंगे थे महान। तेज गेंदबाजों से लेकिन रहते थे घबराए। घातक बॉलिंग हुई शेर की, विकेट लग गए गिरने। नौ नंबर में गधे महान पहुंचे बैटिंग करने। यहाँ बॉल शेर ने फेंकी, बैट इन्होंने फेंका। लगा शेर के सर में बल्ला जो तबले पे टेका। यहाँ बॉल गधे महान के सर में जो दिखाया, दिन में तारे दिखे गधे को कुछ भी समझ ना आया। पिच पे दोनों लंबे लेटे, गेंद हो गई कैच। अस्पताल पहुंचाया उनको, खत्म हो गए मैच। धन्यवाद। धन्यवाद आर्यन। अब मैं हमारे विद्यालय के सबसे छोटे और नन्हे मुन्ने प्रतिभागियों को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। कक्षा प्रेप के पहले प्रतिभागी है आराध्या मेहता। आराध्या मेहता। सुप्रभात। हाथी का दर्द, दर्द उठा हाथी दादा के, पीठ जोर से फूला, लोट पोट हो गया रेत में, सारी छकड़ी भूला। टेलीफोन किया कोयल ने,
अध्याय हमारे दूसरे प्रतिभागी है अरशान इजहार। अरशान इजहार, सुप्रभात। हाथी दादा, सूट पहनकर हाथी दादा चौराहे पर आए। रिक्शा एक इशारा करके वे तुरंत रुकवाए। चला रही थी हाफ हाफ कर रिक्शा एक गिलहरी। बोले बोले हाथी दादा, मैडम ले चल मुझको के छेरी। तब तरेर कर आखे वा हाथी दादा से बोली, लाज नहीं आती तुमको करते वे ठिठोली। माफ करो गुस्ताखी मिस्टर, ट्रक को ही मंगवाओ। तब तुम उस पर बड़े ठाट से बैठ कर कचेरी जाओ। धन्यवाद। धन्यवाद अरशान। हमारे तीसरे प्रतिभागी है अथर्व सिन्हा। अथर्व सिन्हा, भालू जी की लाचारी। चुन्नू ने मुन्नू से पूछा एक सवाल, भालू जी की देह पे होते हैं क्यों बाल। पड़े सोच में मुन्नू जी, अब सर थोड़ा खुजलाए। घंटे भर जब सोच लिया तब मंद मंद मुस्काए। मुन्नू जी धीमे से बोले, जैसे बोले ज्ञानी, देखो भैया प्रश्न सरल है, इसमें क्या हैरानी। भालू जी ने लाचारी में है ये बाल बढ़ाए। जंगल में सैलून नहीं, बाल कहाँ कटवाए। धन्यवाद। धन्यवाद अथर्व। हमारे चौथे प्रतिभागी है कृतार्थ कुमार रंजन। कृतार्थ कुमार रंजन, सुप्रभात। बंदर जी बड़े बीमार, बंदर जी को हुआ बुखार। बंदर जी पड़ गए बीमार, गर्दन में आला अटकाए। डॉक्टर भालू जल्द आए, डॉक्टर ने कहा बंदर जी तेरी आदत है गड़बड़ जी। जो भी मर्जी खा लेते हो, गंदा पानी पी लेते हो। जल्दी से यह दवा मंगाओ, इसको सुबह शाम तुम खाओ। 4 दिनों तक करो आराम, फिर करना तुम अपने काम। खान पान में करो सुधार, वरना पड़ोगे फिर बीमार। धन्यवाद। धन्यवाद कृतार्थ। हमारे पांचवे प्रतिभागी है प्राणिका जैन। प्राणिका जैन, सुप्रभात। सूरज निकला चिड़िया बोली, सूरज निकला चिड़िया बोली। कलियों ने भी आंखें खोली, आसमान में छाई लाली। हवा बही सुख देने वाली, सूरज निकला चिड़िया बोली। कलियों ने भी आंखें खोली, आसमान में छाई लाली। हवा बही सुख देने वाली, नन्हे कमलदल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। इतना सुंदर समय मत खो मेरे प्यारे, अब मत सो। नन्हे कमलदल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। इतना सुंदर समय मत खो मेरे प्यारे, अब मत सो। धन्यवाद। धन्यवाद प्राणिका। हमारे छठे प्रतिभागी है जिब्राइल हसन। जिब्राइल हसन,
सुप्रभात बड़ा बेसुरा बाजा टोपी पहने माइक संभाले बंदर राजा आए खूब अकड़ कर मटक मटक कर ढेरों गाने गाए हाथ जोड़ कर जनता को फिर असली मकसद पर आए अपना वोट मुझी को देना कह कर के मस्काए इतने में आई बंदरिया बोली बंदर राजा राजनीति में पेट बहुत है बड़ा बेसुरा बाजा चलकर पेड़ों की छाव में खाएगे मीठे फल बड़ा बुरा है नेताओं का यह चुनाव का दंगल धन्यवाद धन्यवाद जिब्राइल हमारे सातवें प्रतिभागी है त्रिशा गुप्ता सुप्रभात बिल्ली की खिल्ली एक बिल्ली की उड़ गई खिल्ली कैसे जी सुनो ध्यान से घटी ये घटना ऐसे जी एक दिन बिल्ली ने सोचा देख कर आओ मैं पिक्चर बिना टिकट के छुपते छुपते पहुंची सिनेमा हॉल के अंदर सिनेमा हॉल के पर्दे पर दूध मलाई आई नजर झपट परी वह पर्दे पर पर्दा फट गया फर धन्यवाद त्रिशा हमारे आठवें प्रतिभागी है सानवी कुमारी सुप्रभात ले जाऊंगा तुझे पकड़ बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं गीदड़ बोला हुआ मिट्ठू बोला खबरदार जो तुम दोनों ने मुझे छुआ लगता टी 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 सुनकर माली उधर चला आया बिल्ली गीदड़ हुए उड़नशू मिट्ठू भी कुछ घबराया माली बोला क्यों रे मिट्ठू तू इतना क्यों रहा अकड़ देख अभी मैं ले जाऊंगा इस पिंजरे में तुझे पकड़ धन्यवाद सानवी हमारे नौवे प्रतिभागी है साक्षी यादव सुप्रभात दादाजी का चश्मा रोज सवेरे दादाजी पढ़ते हैं अखबार बिन चश्मे के लेकिन आंखें होती नहीं तैयार गुम था चश्मा दादाजी बेहद थे परेशान टीटू जी को दया आ गई देख उन्हें हैरान तुरंत दौड़कर पास में आए लेकर अपना पस्ता पुस्तक खोली पन्ना पलटा खोज दिखाया चश्मा ऐसी ऐनक होती है चश्मे की तस्वीर दिखाई दादाजी का गुस्सा भागा टीटू जी की देख नदानी खत्म हो गई सारी परेशानी धन्यवाद साक्षी कक्षा प्रेप के अंतिम प्रतिभागी है हमजा खान सुप्रभात पानी और धूप अभी थी धूप बरसने लगा कहां से यह पानी किसने फोड़ घने
इतनी शैतानी? सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा? उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया कहकर आ जा? जोर जोर से गरज रहे हैं बादल है किसके काका? किसको डांट रहे हैं? किसने नहीं सुना माँ का? धन्यवाद। धन्यवाद हमजा। यह नन्हे फूल तब महकते हैं जब खुदा की नीली छतरियां चलती है। यह नन्हे मुन्ने फरिश्तों के लिए तो जोरदार तालियां बनती है। काव्य प्रतियोगिता के दूसरे चरण की ओर बढ़ते हुए मैं कक्षा तृतीय के प्रतियोगियों का स्वागत करता हूँ। कक्षा तृतीय के प्रथम प्रतिभागी हैं आबिर विश्वास। आबिर विश्वास, सुप्रभात। चेतक द्वारा श्याम नारायण पांडे। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता कभी ना चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। जो तोड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान का घोला था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में सरपट दौड़ा करवालों में। है यही रहा अब यहाँ नहीं वह वहां रहा अब वहां नहीं। थी जगह न कोई जहां नहीं इस अरिमस्तक पर कहां नहीं। बढ़ते नचा वह लहर गया वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा और इकी सेना पर कहर गया। भाला गिर गया गिरा निशंक है टापों से खन गया अंग। पैरी समाज रह गया दंग घोड़े का ऐसा देख रंग। धन्यवाद। धन्यवाद आबी। हमारे दूसरे प्रतिभागी हैं एमडी अदनान कादरी। एमडी अदनान कादरी। यमदेव का इस्तीफा। एक दिन यमदेव ने दे दिया अपना इस्तीफा। मच गया हाहाकार बिगड़ गया स्वर का व्यापार। स्थिति का करने आकलन इंद्रदेव ने देवताओं की सभा बुलाई तत्काल। और फिर यमराज को कॉल लगाई। डायल किया गया नंबर कृपया जांच ले। ये आवाज तब दी सुनाई। नए ऑफर पर नंबर बदलने की इस आदत पर इंद्रदेव को यमदेव पर खुन्नस आई। पर देख मामले की नजाकत मन की बात उन्होंने मन में ही दबाई। किसी तरह
यमदेव का नंबर आया हाथ। किसी तरह यमदेव का नंबर आया हाथ। फिर से उन्हें फोन लगाया तो कॉलर ट्यून दिया सुनाई। मेरा तुमसे है पहले कनाता कोई। सुन सुन कर ये सब बोर हो गए। ऐसा लगा शायद यमदेव कहीं सो गए। जैसे तैसे यमदेव इंद्रदेव के दरबार पे पेश। जैसे तैसे यमदेव इंद्रदेव के दरबार पे पेश। इंद्रदेव बोले, यमजी जरा बतलाइए क्या है इस्तीफे का केस। हे इंद्रदेव, यमदेव बोले। हे इंद्रदेव, यमदेव बोले। जब भी पृथ्वी लोक जाता हूँ मल्टीप्लेक्स में भैंसे की पार्किंग ना होने की वजह से बिना फिल्म देखे ही लौट आता हूँ। डोमिनोज और मैकडॉनल्ड्स वाले इज्जत उतार देते हैं। डोमिनोज और मैकडॉनल्ड्स वाले इज्जत उतार देते हैं और सबके सामने ही ढाबे पे जाके खाने की सलाह देते हैं। मौत के अपने काम पर जब भी पृथ्वी लोक जाता हूँ भैंसे पर मुझे देख पृथ्वीवासी हंसते हैं और कार ना होने के ताने कसते हैं। रफ्तार की इस दुनिया का मैं कैसे करूँगा भैंसे से पीछा। आप कुछ समझ रहे हैं या कुछ और भी दूं शिक्षा। रंभा को टोयोटा उर्वशी को एक्शन दिया है। फिर मेरे ही साथ ऐसा न्याय क्यों किया है। चार पहियों के जगह चार पैरों वाला दिया है। यह कहकर मुझे मत बहलाओ और जल्दी से मुझे भी मर्सिडीज दिलाओ। नहीं तो मेरा भी इस्तीफा अपने साथ लेते जाओ और ये मौत का व्यापार अब किसी और ही से करवाओ। धन्यवाद। धन्यवाद अदनान। हमारे तीसरे प्रतिभागी हैं आरोही। सुप्रभात। चतुर चित्रकार। एक चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। इतने में ही वहां आ गया एक बड़ा सा शेर। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। नदी पहाड़ पेड़ पत्तों के रहना गया कुछ होश। फिर कुछ हिम्मत दिखाकर उसने चुपचाप बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह सारे अंग बटोर। बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार। अब आप मुंह उधर तो कीजिए जंगल के सरदार। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ फिरा कर शेर। बैठे बैठे लगा सोचने इधर हुई क्यों देर। झील किनारे नाव लगी थी एक लगा था बांस। चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर के ली सांस। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया कुछ दूर। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। शेर बहुत खिसिया कर बोला, नाव जरा ले रोक। कलम और कागज तू ले जा ओ कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा तुरंत ही, माफ करिए सरकार। चित्रकला का आप लीजिए जंगल में अभ्यास। धन्यवाद। धन्यवाद आरोही। हमारे चौथे प्रतिभागी हैं अथर्व आर्यन। जूम 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 ने बड़ा झुमाया
पढ़ा पढ़ा कर हमें नचाया। घर जो था आराम का डेरा, कक्षा का क्या स्वांग रचाया। जूम जूम ने बड़ा झुमाया, पहले तो थे सिर्फ टीचर, अब तो माँ बाप भी क्लास के भीतर। आश्रा ना कोई भी भाया, जूम जूम ने बड़ा झुमाया। बच्चे भी तो तेज बड़े, रखते अपने कान खड़े। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल? सुन के सब यस मैम तो कह जाते हैं, लेकिन जब ना सूझे सवाल का सॉल्यूशन, फटाक कहे मैम पुअर कनेक्शन। म्यूट अनम्यूट का ये खेल निराला, हम सबको मुश्किल में डाला। होता हर दम गड़बड़ झाला, पता नहीं किस आफत से पड़ा है पाला। होमवर्क होते हैं अपलोड, क्लासवर्क होता है डाउनलोड। होमवर्क होते हैं अपलोड, क्लासवर्क होता है डाउनलोड। ये अप और डाउन के चक्कर में जाने हमें कितना उलझाया। जूम जूम ने बड़ा झुमाया, पहले तो थे हंसी तह के, साथ बैठे मस्ती और बातें। सिमटा सारा संसार हमारा, लैपटॉप बस एक सहारा। कक्षा का यह रूप न भाया, जूम जूम ने बड़ा झुमाया। धन्यवाद। धन्यवाद अथर्व। हमारे पांचवे प्रतिभागी हैं आकृति राज। सुप्रभात। सब्जी और टॉफी में छिड़ी लड़ाई, द्वारा लता पंत। एक बार सब्जी टॉफी में जमकर छिड़ी लड़ाई, सारी धरती कांप उठी थी भारी आफत आई। टॉफी बोली चीख चीख कर, अरे सब्ज कुमारी, अगर बराबर मेरे आए तो दूंगी चपत करारी। मीठी मीठी टॉफी मैं, बच्चों की दिल की रानी। मुझे देखते ही उनके मुंह में आ जाता पानी। चमक लिए तू भी कभी चरपरी, कभी खटाई डाली। कभी बने तू कड़वी मेथी, कभी करेले वाली। शक्ल देखते ही तेरी बच्चों के आंसू आते। खाते नहीं अगर तुझको तो मम्मी के थप्पड़ पाते। और एक कद्दू घिया, टिंडा पालक, कच्चा केला। हटो मेरे आगे से वरना छिड़े झमेला। रंग बिरंगे चमकीले से कागज में रहती हूँ, मिट्टी में पैदा होती तू, बात सही कहती हूँ। यह सुन सब्जी भारी क्रोध में गला फाट चिल्लाई, सुनो रे टॉफी बहना, अब असली सच्चाई। मुंह की मीठी जरूर हो तुम, पर दिल की हो काली। चमक रहे इन रंगों में बच्चे बहकाने वाली। भोले बच्चे बड़े प्यार से तुमको तो खाते हैं, पर बदले में छेद दांत में अपने वे पाते हैं। तुमको ज्यादा खाने से तो पेट दर्द हो जाता है, कीड़े काटा करते हैं, नन्हा बालक मुरझाता। सुंदर तुम बाहर से हो, पर अंदर हो बिल्कुल खाली। शादी में मैं बाहर से हूँ, पर भीतर हूँ गुण वाली। मेरे अंदर भरे विटामिन बच्चों के स्वास्थ्य बनाते। आंख दांत और बाल सभी में नई चमक ले आते। यह सुन टॉफी बेचारी हुए शर्म से पानी, सब्जी की कीमत उसने ठीक ठीक पहचानी।
धन्यवाद। धन्यवाद आकृति। हमारे छठे प्रतिभागी हैं शानवी प्रिया। शानवी प्रिया, यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैंने सोचा चलो हास्य कविता में भी हाथ आजमाया जाए, अपनी कविता से लोगों को हंसाया जाए। आशा है मेरी कविता आपको गुदगुदाएगी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगी। मेरी कविता का शीर्षक है बाल की खाल। पत्नी की चीख पड़ी सुनाई, पति महोदय ने दौड़ लगाई, बोले कौन सी आफत आई। पत्नी बोली आफत तो फिर भी आकर चली जाएगी, आफत तो फिर भी आकर चली जाएगी, पर मेरे झड़े बालों को पार्लर वाली भी वापस नहीं ला पाएगी। तुम्हें तो बस देश दुनिया का गम है, तुम्हें तो बस देश दुनिया का गम है, मेरी समस्या चीन और भारत की समस्या से कहाँ कम है। चीन को जितना भी समझा वह अपनी जिद पर ही अड़ता है, चीन को जितना भी समझा वह अपनी जिद पर ही अड़ता है। मेरे बालों में चाहे जितना शैम्पू तेल लगा, बाल फिर भी झड़ता है। धरती पर गिरे और कंघी में फंसे मेरे बाल मुझे उसी तरह चिढ़ाते हैं जैसे स्वतंत्र घूमते हुए पशु पक्षी लॉकडाउन में बंद इंसानों को चिढ़ाते हैं। पति महोदय जो इतनी देर से पत्नी की बात को कवि सम्मेलन के अच्छे श्रोता की तरह सुन रहे थे, चुटकुलाते हुए बोले क्यों इतनी सी बात का बवाल बना रही हो और बाल की खाल निकाल रही हो। पत्नी बोली तुम तो हो बालों से माला माल, तुम क्या समझोगे मेरा हाल, तुम्हें तुम्हारे घने बालों पर इतराने नहीं दूंगी, मैं अपने बालों का बाल भी बाका नहीं होने दूंगी। तभी पति महोदय हुआ गौतम बुद्ध सा ज्ञान, पत्नी से बहस में लगे रहे तो भी जाएगी जिंदगी तमाम। पति महोदय दबे पांव वहां से खिसके और गूगल पर लगे ढूंढने बाल झड़ने से रोकने के 1000 नुस्खे। धन्यवाद। धन्यवाद शानवी। हमारे सातवें प्रतिभागी हैं समृद्धि राज। समृद्धि राज, सुप्रभात। हमारी रेल यात्रा भारतीय रेल की जनरल बोगी, पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी। एक बार हमें करनी पड़ी यात्रा, स्टेशन पर देखकर सवारियों की मात्रा, हमारे तो पसीने छूटने लगे, हम झोला उठाकर घर की तरफ जाने लगे। तभी एक कुली आया, मुस्कुराकर बोला अंदर जाओगे। हमने पूछा तुम पहुंचाओगे, वह बोला बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए हैं, आपको भी पहुंचा दूंगा, मगर रुपए पूरे 50 लूंगा। हमने कहा 50 रुपया, वह बोला हाँ भैया 50 रुपया, 2 रुपए आपके और बाकी सामान के। हमने कहा यार सामान तो नहीं है, अकेले हम ही है। वह भी तब पाक से बोला बाबूजी आप क्या किसी सामान से कम है, भीड़ देख रहे हैं, कंधे पर उठाना पड़ेगा, धक्का देकर अंदर पहुंचाना पड़ेगा, मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा देखा जाएगा, तुम उठाओ। कूली ने पूरी ताकत लगाकर हमें जैसे ही उठाया कि खुद ही बैठ गया। दूसरी बार जब कोशिश की तो बेचारा खुद ही लेट गया, हाथ जोड़कर बोला
बाबूजी, आपको तो भगवान ही उठा सकता है, हम क्या खाकर उठाएंगे? आपको उठाते उठाते खुद दुनिया से उठ जाएंगे। तभी गाड़ी ने सीटी दे दी, हम झोला उठाकर बड़ी ही मुश्किल से अंदर घुस पाए। डिब्बे का दृश्य और भी घमासान था, पूरा डिब्बा अपने आप में हिंदुस्तान था। धन्यवाद। धन्यवाद समृद्धि। हमारे आखिरी प्रतिभागी हैं आराध्या सिंह। आराध्या सिंह, कोरोना काल। इस कोरोना काल में लॉकडाउन है भाई, लॉकडाउन है। सड़कें बंद, बाजार बंद, बंद हुआ पूरी दुनिया का सुख चैन से सोना। ना जाने किसने कर दिया हम पर यह जादू टोना। हाय कोरोना, हाय कोरोना, घर पे मचा है हड़कंप, बच्चों का शोर और हुड़दंग। मम्मी पापा काम करते करते थक गए, हमारी फरमाइशें पूरी करते करते पक गए। नहीं खानी हमें रोटी और दाल। इसी बात को लेकर होता है बवाल। हम चाव से खाते थे मोमोस और चौमिन। सत्यानाश हो तेरा, बुरा हो तेरा, तूने हमारे मजे लिए छीन। हाय कोरोना, हाय कोरोना, तूने मुश्किल कर दिया हमारा जीना। हाय कोरोना, इस बार तूने रचाया गजब का खेल, एग्जाम में बच्चे नहीं एग्जाम ही हो गए फेल। समर विंटर वेकेशन तो ठीक पर कोरोना वेकेशन, इसने तो बस धूम मचाया। यह सुनकर बच्चों के चेहरे पे खुशी की लहर आई। अब ना जाना पड़ेगा स्कूल, ना ही करनी पड़ेगी पढ़ाई। ना जाना पड़ेगा स्कूल, ना ही करनी पड़ेगी पढ़ाई, यह सोचकर मस्ती छाई। पर हाय, ना जाने किसने हमारी ख्वाहिशों पर नजर लगाई, स्कूल में होने लगी ऑनलाइन पढ़ाई। हाय कोरोना, हाय कोरोना, वही मम्मी जो फोन को हाथ लगाने से करती थी पिटाई, अब वही देकर कहती है कर ले बेटिया अपनी पढ़ाई। हाय कोरोना, हाय कोरोना, तूने इस बार तूने गजब की लीला है रचाई। तेरे बेसुमार प्यार से सारे देश ढूंढ रहे हैं कोरोना जी आपको ठिकाने लगाने का प्लेस। जो हौसले वाला है इंसान वही जीतेगा और पाएगा जीवन रूपी वरदान। कोरोना हारेगा हिंदुस्तान जीतेगा, क्योंकि पुलिस कर रही है यह गान। तोड़ देंगे कोना कोना मगर किसी को नहीं होने देंगे कोरोना। तोड़ देंगे कोना कोना मगर किसी को नहीं होने देंगे कोरोना। धन्यवाद। धन्यवाद आराध्या। काफी प्रतियोगिता के आखिरी चरण में मैं कक्षा द्वितीय के प्रतिभागियों का स्वागत करती हूँ। कक्षा द्वितीय के पहले प्रतिभागी है मुंतहा शाकरी। मुंतहा शाकरी, सुप्रभा। काला चांद, अमावस की काली अंधियारी रात, नन्ही सी बेटी ने पूछी एक बात, चांद कहाँ है दिखता नहीं है, चांदी का टुकड़ा सा कल तो वहाँ था, आज कहाँ है निकला नहीं है। बड़ी सोच में मैं समझाऊं कैसे, इसकी समझ से परे है ये बातें, सूझा तभी तक मुझको जवाब। मैंने कहा चांद काला है आज, ऐसा क्यों माँ बताओ तो राज। बोली मैं झट से महीने के एक दिन थक जाता चंदा, होता नहीं डाल
चांदी सी रंगत चढ़ जाती उस पे, जी भर के सोएगा आज की रात। मैंने कहा चांद काला है आज, हर रोज सोकर जब उठेगा उतरेगी स्याही और वो खिलेगा। हर रोज अंबर में चलता हूँ मीलो, इसलिए एक दिन चाहता हूँ मैं थक यात्रा के गर्दे से, जाता हूँ मैं ढक उस दिन हो जाता हूँ इतना मैं काला, नहीं दे पाता किसी को उजाला। अच्छा तो चांद काला है आज, दोहराई बेटी ने मेरी ही बात। मैंने कहा हाँ चांद काला है आज। धन्यवाद। धन्यवाद मुताहा। हमारे दूसरे प्रतिभागी है साव्या अग्रवाल। साव्या अग्रवाल, सुप्रभात। चूहे की दिल्ली यात्रा। चूहे ने ये कहा कि चूहिया छाता और छड़ी दो, लाया था जो बड़े सेठ के घर से वह पगड़ी दो। मटर मूंग जो कुछ घर में है वही सभी मिल खाना, खबरदार तुम लोग कभी बिल से बाहर मत आना। बिल्ली एक बड़ी है पाजी, रहती घाट लगाए, न जाने कब किसे दबोचे किसको चटकर जाए। सो जाओ सब लोग लगाकर दरवाजे पर खिल्ली, आजादी का जश्न देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। दिल्ली में देखूंगा आजादी का नया जमाना, लाल किले पर खूब तिरंगे झंडे का लहराना। अब न रहे अंग्रेज देश पर काबू है अब अपना, पहले जा लाट साहब थे राष्ट्रपति है अपना। घूमूंगा दिन रात करूंगा बात नहीं किसी से। हाँ फुर्सत मिली मिलूंगा मैं प्रधानमंत्री से, गांधी युग में कौन उड़ाए चूहों की अब खिल्ली। आजादी का जश देखने मैं जाता हूँ दिल्ली। धन्यवाद। धन्यवाद साव्या। हमारे तीसरे प्रतिभागी है आयुष श्रीवास्तव। आयुष श्रीवास्तव, सुप्रभात। गुम हुई नानी, देखी तो नहीं तुमने मेरी, बूढ़ी हो गई नानी। सुनाया करती थी मुझको परियों की कथा कहानी, कल तक तो थी यहाँ गुम हुई ना जाने कहा। कैसी थी वह क्या बताऊं, भोली भाली और सयानी, जाने देती हर नदानी। कमर उसकी झुकी हुई, सांस कुछ रुकी हुई, नजर जैसे गहरी सी, चाल कुछ ठहरी सी, धसे धसे थे गाल, दूध से सफेद बाल, तन पर धोती हाथ में माला, बड़े चाव से मुझको पाला। दिखे कही जो तुमको जाती, बताना उदास तुम्हारा नाती। रोता रहता है दिन रात, नहीं करता किसी से बात। नानी तुम घर वापस आओ, नाती का फिर दिल बहलाओ। धन्यवाद। धन्यवाद आयुष। हमारे चौथे प्रतिभागी है इशिका खंडेलवाल। इशिका खंडेलवाल, सुप्रभात।
मेरी कविता का शीर्षक है हॉर्न बजाता हूँ। एक गाड़ी को ओवरटेक कर और चौराहे पर हरी बत्ती देखकर बॉडम जी ने तेज कर दी स्पीड। सोचा पार कर जाएंगे गारंटी, पर बत्ती अचानक लाल हो गई, उनका सारा प्लान धो गई। फुल ब्रेक मारे, टायर टेप बोल गए सारे। बॉटम जी की तेज झटके से आगे झुक गई, पर गनीमत ये कि गाड़ी रुक गई। अब हरी बत्ती होगी देर में, इसलिए कि फायद के फेर में बंद कर दिया इंजन। पर अगले क्षण बत्ती हरी हो गई, मुसीबत फिर से खड़ी हो गई, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट ही ना हो। अब क्या करे कहो, माथे पर पसीने आए, पीछे वाला दनादन हॉर्न बजाए। बॉडम जी ने ज्यादा ना सहा और पीछे वाले ड्राइवर से कहा, सुनिए मैं एक तरीका बताता हूँ, आप मेरी गाड़ी स्टार्ट करिए, मैं आपका हॉर्न बजाता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद ऋषिका, हमारे पांचवें प्रतिभागी है प्रसिद्धि राणा। प्रसिद्धि राणा, सुप्रभात। हाय रे परीक्षा, जिस नाम को सुनते ही कांपता है हर बच्चा, वह है परीक्षा। परीक्षा का पेपर हाथ में आते ही इतना डर लगता है कि अच्छा नहीं किया तो घर पर पिटना पक्का है। 3 घंटे में करने होते हैं लगभग 40 सवाल, एक भी छूटा तो घर पर होता है बवाल। रिजल्ट के एक दिन पहले रात को मुझे नींद नहीं आती, अच्छे नंबर पाने के लिए बस भगवान की याद आती। रखते हैं विद्यार्थी भगवान का व्रत, अगर फेल हुए तो लगता है आज तो होगा डंडे से नित्य। पास होने पर मिलता है शानदार इनाम और मुंह से निकलता है धन्यवाद भगवान। फिर आती है अगली कक्षा, तब भी मुंह से निकलता है हाय रे परीक्षा, हाय रे परीक्षा। धन्यवाद। धन्यवाद प्रसिद्धि। हमारे छठे प्रतिभागी है अश्मी। अश्मी, सुप्रभात। काला चांद, अमावस की काली अंधियारी रात, नन्ही सी बेटी ने पूछी एक बात, चंदा कहाँ है? दिखता नहीं है, चांदी का टुकड़ा सा कल तो वहां था, आज कहां है? निकला नहीं है। पड़ी सोच में, मैं समझाऊं कैसे, अमावस या पूनम या पावस की रातें, इसकी समझ से परे हैं ये बातें। सूझा तभी तक मुझको जवाब, मैंने कहा चांद काला है आज, ऐसा क्यों माँ, बताओ तो राज। बोली मैं झट से, महीने में एक दिन थक जाता चांद, होता निढाल, चांदी सी रंगत उड़ जाती उससे, काली स्याही चढ़ जाती उस पे, जी भर के सोएगा आज की रात। मैंने कहा चांद काला है आज, हर रोज सोकर जब जब उठेगा, उतरेगी स्याही
और वो खिलेगा, झांकेगा अंबर से, पेड़ों के पीछे से, कमरे के खिड़की से, पूछेगा तुझसे कैसी है अश्मी, किया मुझको याद, पता है ये तुझको कहाँ मैं गया था, मेरी भी माँ है तेरी ही जैसी, उसके गोद में सोने गया था, जी भर के प्यार पाने गया था, उसने दुलारा मुझको सवारा, भेजा मुझे फिर अंबर के द्वार, मेरी चमकिया मेरी नहीं है, माँ ने दुलारा जो चमकारा मुझको, उसकी दमक क्या मुझ में भरी है, हर रोज अंबर में चलता हूँ मीलो, इसीलिए एक दिन मैं जाता हूँ थक, यात्रा के गर्दे से जाता हूँ ढक, उस दिन हो जाता हूँ इतना मैं काला, नहीं दे पाता किसी को उजाला, अच्छा तो चांद काला है आज, धोराई बेची ने मेरी ही बात, मैंने कहा हाँ चांद काला है आज, धन्यवाद। धन्यवाद अश्मी। हमारे सातवें प्रतिभागी है शानवी सिन्हा। शानवी सिन्हा, सुप्रभात। चुनमुन के घर बंदर गली गली में शोर मचा था, बस्ती में एक बंदर आया, छोड़ बसेरा वन उपवन का, चुनमुन का घर उसको भाया, बैठक में कुर्सी पर बैठा, टेलीफोन का बटन घुमाया, नंबर लगा पुलिस चौकी का, थानेदार उधर गुर्राया, सुनी आवाज जब रौबीली, खिक 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 कर घिघियाया, चारों ओर नजर दौड़ाई, डर के मारे सिर चकराया, छूट गया रिसीवर हाथ से, उछला कूदा वह घबराया, हाथ लगा रिमोट टीवी का, उल्टा सीधा बटन दबाया, थानेदार दिखा टीवी में खाकी वर्दी मेरा बीला, लिए हाथ में मोटा डंडा, लंबा तगड़ा बड़ा फुटीला, बंदर डरा बहुत घबराया, पर दरवाजा ढूंढ ना पाया, लटका फ्रिज का हैंडल पकड़े, दूध दही मुंह पर लुढ़काया, सुना शोर गुल कमरे से जब, चुनमुन भागा फेक पजामा, उलट फुलट सामान पड़ा था, हाथ फेर रहे थे बंदर मामा। धन्यवाद। धन्यवाद शानवी। हमारे कक्षा द्वितीय के आखिरी प्रतिभागी है शिवांश राज। शिवांश राज, सुप्रभात। जूते, एक मामूली जूते पर लगा 5000 का टैग, देख मेरा मन चकराया, हमने दुकानदार को अपने पास बुलाया, दुकानदार आया मुस्कुराया, बोला भाई साहब क्या शानदार जूते हैं, ठीक है पर इनके दाम आसमान छूते हैं, दुकानदार बोला प्रीमियम क्वालिटी लेदर का बना ब्रांडेड जूता है भाई, कौन सा रोज रोज लेना है, एक बार ट्राई कीजिए, ट्राई हमने कहा, जब पांव में ही पहनना है तो क्यों दे इतना दाम, दुकानदार बोला सर फिर तो चप्पलों से ही चला है काम, लेकिन ध्यान रहे अभी सिर्फ 5000 का है, आपकी शादी में 4 गुना दाम लगाया जाएगा, और आपका ही जूता चोरी कर आपको ही चूना लगाया जाएगा, थोड़ा सीरियस होकर हमने कहा मान्यवर हमें इन शादी की रस्मों के चक्कर में ना उलझाइए, सीधा सीधा इन जूतों का सही दाम लगाइए,
दुकानदार ने एक जोड़ी जूता हाथ में उठाया, हमें दिखाया और बड़े गर्व से बताया, जूते बहुमुखी गुणों की खान है, अफसर बाबू चपरासी सबकी करते पहचान है। और आप समझते हैं सिर्फ पाँव में इनका स्थान है। धन्यवाद। धन्यवाद शिवांश। इसी के साथ आज की काव्य प्रतियोगिता की समाप्ति होती है। निर्णायक मंडली द्वारा दिए गए निर्णय को आपके सामने प्रस्तुत करने से पहले मैं आदरणीय निर्मला टीचर को आग्रह करता हूँ कि वे मंच पर आकर अपने आशीर्वचनों से हम सबों को कृतार्थ करें। सुप्रभात। परम आदरणीय प्रधान अध्यापक महोदय, उप प्रधान आचार्य महोदया, शिक्षक गण तथा मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वाक प्रतियोगिता पर अपना विचार प्रस्तुत करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं तहे दिल से सबका आभार प्रकट करती हूँ। सबसे पहले मैं शिक्षिकाओं के उस दल को बधाई देती हूँ जिनके कठोर परिश्रम तथा सहयोग के द्वारा वाक प्रतियोगिता सफल हुई है। मैं अभिवाहकों के प्रति भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने बच्चों की भली भांति तैयारी करवाई तथा इस वाक प्रतियोगिता को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मंच पर आकर जिन बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया है, मैं उनकी सराहना करती हूँ, क्योंकि प्रतियोगिता की सफलता का रहस्य उनकी आत्मविश्वास है। बच्चों, ये आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखना। अंत में मैं सभी बच्चों को अपना आशीर्वाद देती हुई यही कामना करती हूँ कि इस आत्मविश्वास को कायम रखते हुए अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद। धन्यवाद शिक्षिका। जो हमारे दिल पर राज करे, बच्चों को प्यार करे, उस उप प्रधानाचार्य सिस्टर सुनीता को सादर अभिनंदन। अतः उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आए और निर्णायक मंडली द्वारा निर्णय को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। Respected Principal Father Roshner, Father Ranjit, who is absent today, Father Manoj, Honorable Judges, Teachers, Parents, and my dear students, good morning to all. We have just witnessed the super performance of our dear little ones presenting their Hindi elocution very clearly and with a thoughtful gestures. The heart of everyone is full to the brim with feelings of joy and appreciation for the wonderful performance of our little ones. Dear students, success isn't something that we achieve in one day. Success is the achievement
accomplished after battles and persistence. It is the ability to go from one failure to another with no less of enthusiasm. Failure is part of the process of success. So all those who did not win in today's competition, don't be discouraged and disappointed, because you are on the process of success. Winning and losing is part of life. The most important part is that you take part in the competition. All of you from prep to class 3 took part in the competition, and today we just had the final round. So all of you deserve a big round of applause. A special congratulations to all the students who secured first, second, and third position. Also, to the angels of today. Dear students, you have done well. Special thanks to our dear teachers who prepared these children with the help of their parents. Your hard work, commitment, and love for the school are commendable. I extend my heartfelt thanks to Mrs. Swati, Mrs. Anjana, Mrs. Sosan, Miss Oliva, who have labored behind the curtain to arrange everything very meticulously. Thank you, dear teachers. I'm so thankful to our respected principal, Father Roshner, for being so supportive and encouraging us always. Thank you, Father. A word of thanks to all the parents who always stand by us and cooperate with us. Thank you, dear parents. Once again, congratulations to all the students, and thanks to one and all. Thank you. धन्यवाद सिस्टर। पुरस्कार वितरण के लिए मैं हमारे प्रधानाचार्य फादर रोशनर खाल को SJ को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। We'll start with the class prep. The first prize goes to Atharva Sinha. Atharva Sinha. Second, Sanvi Kumari. Third, Sakshi Yadav. There are participation certificate for others. Aradhya Mehta. Arshan Ijhar, Atharva Sinha, Kritarth Kumar Ranjan, Pranika Jain, Zibrail Hassan, Trisha Gupta, and Hamsa Khan. Hamsa Khan.
क्लास वन फर्स्ट प्राइज जेनेका ग्रेस। सेकंड रिजल्ट ऑफ क्लास वन फर्स्ट प्राइज जेनेका ग्रेस। सेकंड अद्विका राणा। थर्ड मोक्षित पटनी। पार्टिसिपेंट्स आयुष्मान अग्रवाल, दीक्षित आनंद, दीक्षिता आनंद, आरव सिन्हा, नव्या सिंह, देवांशी राज, रुद्र शर्मा, आर्यन सिंह, क्लास टू फर्स्ट प्राइज
क्लास टू फर्स्ट प्राइज मुंडहा सक्री सेकंड शानवी सिन्हा थर्ड अश्मि पार्टिसिपेंट्स साभ्या अग्रवाल आयुष श्रीवास्तव इशिका कंडलवाल प्रसिद्धि राणा शिवांश राज रिजल्ट ऑफ क्लास थ्री फर्स्ट प्राइज आरोही सेकंड अदर वारियन थर्ड आकृति राज पार्टिसिपेंट्स अबीर विश्वास एमडी अदनान खादरी शानवी प्रिया समृद्धि राज आराध्य सिंह
धन्यवाद सिस्टर। धन्यवाद फादर। आखिर में मैं हमारी विद्यालय की शिक्षिका आदरणीय मिस ओलिवा को धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सभी को सुप्रभात। आदरणीय प्रधानाचार्य फादर रोशनर खालखो एसजे, उप प्रधानाचार्य सिस्टर सुनीता एफसीसी, माननीय निर्णायक गण, शिक्षक गण, अभिभावक गण एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, समस्त सुंदर कलाओं का सार, सभी महान कलाओं का सार कृतज्ञता ही है। इस शुभ अवसर पर धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं आज के आयोजन को शानदार ढंग से सफल बनाने के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर का आभार व्यक्त करती हूँ। उनके आशीर्वाद और कृपा से हम आज के काव्य प्रतियोगिता को सफल बनाने में सक्षम हो पाए हैं। मैं हमारे प्रिय प्रधानाचार्य फादर रोशनर खालखो एसजे को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद अपने प्रेरक उपस्थिति और उत्साहजनक शब्दों के साथ इस अवसर पर अपनी उपस्थिति द्वारा अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किए। प्रिय फादर, आपकी पैतृक चिंता, विचारशील समर्थन, समय पर लगातार भागीदारी और सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारी उप प्रधानाचार्य सिस्टर सुनीता एफसीसी को उनके निरंतर समर्थन, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रिय सिस्टर, एक अच्छी पथ प्रदर्शक और प्रभावी मार्गदर्शक होने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। मैं आज की कविता प्रतियोगिता के विशिष्ट निर्णायक गणों को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। आपकी उपलब्धता और समर्पण के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे लिए, हमारे विद्यार्थियों को उनके शानदार काव्य प्रस्तुति के लिए पुरस्कृत करना संभव बनाया। आपके महान सहयोग और समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद। प्रिय शिक्षकगण, मैं आप सबों को आपके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए धन्यवाद देती हूँ। आप सबों ने अपने कार्यों को अत्यंत सावधानी से और इस प्रतियोगिता को यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से आयोजित करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे सभी सहयोगियों को, जो इस आयोजन की रीढ़ रहे हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। मैं अपने सहायक कर्मचारियों और तकनीशियों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की है कि आज का अवसर एक यादगार दिन बने। आपकी कीमती समय और बहुमूल्य सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा किया गया मन संचालकों को संचालन के लिए धन्यवाद देती हूँ। बच्चों, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से संचालन करके हमारे दिलों को स्पर्श किया है। अंत में मैं सभी विद्यार्थियों को उनके परिश्रम और शानदार काव्य प्रस्तुति के लिए अपनी सराहना व्यक्त करती हूँ। आप सबों ने बड़े रोचक ढंग से कविता प्रस्तुत करते हुए हमारे दिलों को स्पर्श किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी बड़े प्रभावशाली हैं। आशा करते हैं कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए
परिश्रम करते रहेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। प्रिय अभिभावकगण, आपके प्यार और समर्थन के बिना बच्चे अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। आप सबों का योगदान अतुलनीय है। अतः समस्त विद्यालय परिवार की ओर से आपके निरंतर समर्थन के लिए सभी अभिभावकों को तहे दिल से धन्यवाद। इस तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान हमारे लिए इस आयोजन को संभव बनाने के लिए आप सभी हमारे विशेष धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। अंत में मैं पुनः यहाँ उपस्थित सभी को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। अपने विद्यालय की परंपरा को कायम में रखते हुए हम सभी स्कूल एंथम के लिए एक साथ खड़े हो जाएंगे। Students of Hazaribagh, we have the spirit that will not lag. We will carry high our flag and never, never let it drag. We are the red and we are the gold. We are the brave and we are the bold. When the odds are hardest, then we fight on till they are won. The four proud houses of the school show mottos as a guiding rule. Courage, wisdom, truth and love, given, given by God above. Comrades all, we be old or new, throughout the years we all pass through. We will ever sing as now, St. Saviour's Hazaribagh. St. Saviour's